रानीपुर की मां काली की नम आंखों से माता के भक्तों ने विदाई दी है, तो वहीं ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ मां की शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु गुण मां की दर्शन के लिए सड़क किनारे खड़े रहे। हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे की भीड़ खड़ी देखने को मिली। उस बीच सड़क के दोनों ओर खड़ी महिलाओं ने पुरुष वर्षा कर माता को नम आंखों से विदाई दी है और मां की आरती भी की गई। तो वहीं मां काली से आशीर्वाद लेने के लिए प्रतिमाओं के पास भीड़ जुटी रही। आस्था और श्रद्धा के साथ विसर्जन में लोग शामिल हुए। बता दें कि शोभा यात्रा रानीपुर से प्रारंभ होकर सिटी के विभिन्न रास्तों से होता हुआ भद्रघाट पहुंचेगी, जहां मां काली की प्रतिमा का विसर्जन कर मां काली को अंतिम विदाई दी जाएगी। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस कदर लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। आज हर तरफ विसर्जन का माहौल है। बता दें कि नवरात्र का महीना चल रहा है, इस दौरान रोड और मां दुर्गे से पूरा पटना जो है वो कहीं ना कहीं काफी खुशी का माहौल और काफी अच्छा हो रखा था। हर तरफ माता की मूर्ति बिठाई गई थी। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ मां की पूजा अर्चना कर रहे थे, सड़क पर घूमने के लिए निकल रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि आज हर तरफ मां का विसर्जन किया जा रहा है। आज अंतिम दिन माता की विदाई हर तरफ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हर किसी की आंखें नम देखी जा रही है। तो वहीं ये वीडियो हमारे पास पटना सिटी से निकलकर सामने आया है, जहां पर मां काली के विसर्जन के लिए हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े नौजवान पुरुष महिला मौजूद हुए हैं। वहां पर मां काली की आरती भी की गई, उन्हें खोइचा भी दिया गया है और साथ ही साथ भद्रघाट पर मां काली की विसर्जन की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।